महाराष्ट्र में उद्धव गुट की शिवसेना के नेता संजय राउत ने सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात पर हमला बोला है। सीएम शिंदे पर निशाना साधते हुए राउत ने कहा कि पहले आलाकमान महाराष्ट्र में था, लेकिन अब उनका आलाकमान दिल्ली में है। राउत ने कहा कि असली शिवसेना कभी किसी के आगे नहीं झुकी। महाराष्ट्र में अब तक हाईकमान मुंबई में बैठा था, अब मिस्टर शिंदे का हाईकमान दिल्ली में है। बाला साहब ठाकरे की बातें करते हैं, हमारी शिवसेना बोलते हैं, बाला साहब ठाकरे का नाम लेते हैं, लेकिन दिल्ली में जाकर मुजरा मारते हैं। असली शिवसेना कभी दिल्ली में जाकर किसी के सामने झुककर खड़े नहीं हो गए। दरअसल शिंदे और फडणवीस ने 4 जून को अमित शाह से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री शिंदे ने ट्वीट करके कहा कि हमने कृषि और सहकारिता विभाग से जुड़े विभिन्न मामलों पर चर्चा की। राज्य में किसान और महिला सशक्तिकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम चल रहा है और कई रुके हुए प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। हमने केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह से इसलिए मुलाकात की क्योंकि हमें उनसे हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है। उधर संजय राउत ने ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे पर भी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। बुलेट ट्रेन, ये ट्रेन, वो ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन, जो ट्रेन चल रही है ट्रैक पे वो ठीक से चलाइए। सिग्नल, रेलवे ट्रैक, ट्रैफिक सिग्नलिंग, उसके ऊपर काम करिए। वो वंदे भारत, अमुक भारत, प्रमुख भारत, ये तो उनका प्रचार है। लाल बहादुर शास्त्री, माधवराव सिंधिया, उनके कार्यकाल में जब इस प्रकार के हादसे हुए थे तो तुरंत इस्तीफा दिया था नैतिकता के आधार पर, लेकिन ये सरकार बस एक्सीडेंट का भी इवेंट कर रही। इस सब के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि भविष्य में वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बहुमत से जीतकर महाराष्ट्र को देश के सभी क्षेत्रों में नंबर वन राज्य बनाएंगे। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में विकास की दौड़ जारी रहेगी।